लिखित और संकेत तो मौखिक भाषा है, मौखिक में टिक्की चिन्ह। चौथा नंबर है केरल की भाषा कौन सी है, तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, मलयालम में टिक्की चिन्ह। छह नंबर है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, 21, 22, 23, तो 22 में, ठीक है, टिक कीजिए। अब हम लोग यहाँ सेकंड नंबर में आते हैं, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। क नंबर है भाषण देना डैश भाषा है, तो मौखिक भाषा है। ख नंबर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम डैश है, तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। ग नंबर हम अपनी बात डैश द्वारा भी व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात संकेतों द्वारा भी व्यक्त करते हैं। घ नंबर तमिलनाडु की भाषा डैश है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। अंग नंबर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा डैश है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर में आते हैं, भाषा के सामने उसकी लिपि लिखो। यहाँ भाषा दिया हुआ है, उसकी लिपि हम लोग को लिखना है। क नंबर है हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी। ख नंबर उर्दू, उर्दू की फारसी। ग नंबर पंजाबी, पंजाबी की गुरुमुखी। घ नंबर कन्नड़, कन्नड़ की कन्नड़। अंग नंबर अंग्रेजी, अंग्रेजी की रोमन। च नंबर कोंकणी, कोंकणी की देवनागरी, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग का होमवर्क रहा, फर्स्ट चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा।